वेलकम टू माई क्लास चैनल। इस वीडियो में जो है हम डिफरेंट इक्वेशंस को देखेंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने सब पे वीडियोस अलग अलग बनाई हुई हैं, इसमें मैं जो है ओवरव्यू आपको दूंगी सारा, ओके कि हम कैसे करते हैं। अगर इस तरह की इक्वेशन है सिंपल, उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर फ्रैक्शन में है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर इस तरह है तो हमने किस तरह सॉल्व करना है। ब्रैकेट में ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है और ये भी, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो है सिचुएशन चेंज है हमारे पास। ये भी ब्रैकेट में है, इधर भी जैसे टू ब्रैकेट्स आ गई, फिर यहाँ पर हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो, मतलब फ्रैक्शन में हो तो उसको कैसे करना है। तो ये सारी जो है टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, 12। इनको हम देख लेते हैं, सही है। तो मैं आपको जल्दी से बताती रहती हूँ कि अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आए तो आपने क्या करना है, ठीक है। सही, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सब में x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, बिकॉज वेरिएबल ही x है सब इक्वेशंस में जो मेरे पास यहाँ पर है, सही है। चलें स्टार्ट करते हैं। सिंपल, 3x का 3x आ जाएगा और 44 का 44 आ जाएगा। अब ये वाला 20 इधर था, इधर कैसे आया? इधर इसलिए आया बिकॉज हमें तो x वेरिएबल है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोगों ने जो भी यहाँ पर होगा हमने यहाँ पर ले आना है, राइट साइड पर ले आना है, बिकॉज हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, उधर x ही रहने देना है, इसलिए सही है। 44 यहाँ पर था, 20 को इधर ले आए। और आपको पता है, अब मैं बताती हूँ आपको, अगर नहीं पता, जब भी कोई टर्म वहाँ होती है ना लेफ्ट साइड पे, उसको राइट साइड पे लाना हो या राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाना हो, उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस 20 है, सिंपल इधर आके माइनस 20 हो गया, इतना समझ आया। इन दोनों को माइनस करवाया, 24 आ गया, ओके। उसके बाद 3x इधर आ जाएगा, और अभी हमें 3x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमें x वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि x यहीं पे रहने देंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये भी बता दूं मैं आपको, ये 3 है क्या? ये एक टर्म है 3x, x वेरिएबल है, 3 कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ होता है नंबर, वो कोएफिशिएंट होता है। तो ये एज ए प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड हो जाएगा। 24 एज इट आ गया, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करें तो 8 आ जाएगा। और x की वैल्यू जो आपको रिक्वायर्ड थी वो आपके पास आ गई। और अगर आपने ये वाला जो है स्टेप नहीं करना, ये वाला करना है आपने इस जो है मेथड से किया हुआ है, तो आप इसको फॉलो करें, फिर इसको ना करें, यहाँ तक सेम रहेगा, उसके बाद इसको कर लें, उसके बाद ये आंसर तो यही आना है। फिर आप क्या करें कि 3x इक्वल टू 24, वो तो एज इट लिख लें, जो है वही लिख लें। फिर यहाँ पर कैसे पता चलेगा 3 से ही डिवाइड करवाना है, वो इस तरह पता चलेगा, जो कोएफिशिएंट होगा ना x वेरिएबल का, वो आपने उसी से डिवाइड करवा देना, ठीक है। 3 है तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करवा दें, यहाँ पे 4 होता तो 4 से करवा देते, 5 होता तो 5 से करवा देते, ये ठीक है। अदरवाइज एक और कॉन्सेप्ट है कि हमने क्या करना होता है, हमारे पास 3x है, हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए x ओनली, तो हम किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करवाएंगे जो नंबर्स को कैंसिल कर देगा। 3 तो ऑलरेडी है, हम ऐसे नंबर से करवाएंगे जो 3 को कैंसिल कर देगा, तो ऑफकोर्स 3 को कैंसिल कर देगा कम्प्लीटली और x रह जाएगा, तो कैंसिल कर दिया, x रह गया इक्वल और 8 रह गया। ये दोनों ना करें, या ये मेथड को फॉलो, स्टेप को फॉलो कर लें, या इसको कर लें, जो आपको सही लगेगा। मैं दोनों बताती रहूँगी, फिर आपने यहाँ तक सेम रखना है, और उसके बाद या ये को फॉलो करें, और इसको अगर करना है इधर लिख लें, ठीक है ना। और फिर बस आंसर आ गया, सही है, आगे जाएं, सिंपल इक्वेशंस। अच्छा, अब अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए, इस तरह की इक्वेशन आ जाए, तो कैसे करना है आपने? उसमें भी आपके पास ये है कि आप एलसीएम लेके एक मेथड होता है उसको फॉलो कर लें, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम दूसरे वाले को करेंगे। एलसीएम तो लेना है इसमें, लेकिन मैं फिर आपको बताती हूँ, ये सिंपल और हो जाएगा। समटाइम्स स्टूडेंट्स को वो वाला मेथड अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने फिर इस तरह किया हुआ है, ओके। अच्छा, वो क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 20 क्यों? 20 इसलिए 5 और 4 है डिनोमिनेटर में, उसका एलसीएम लें। एलसीएम आता है आपको लेना, एलसीएम बाय डिवन मेथड, उसमें ये करते हैं हम कि 5 और 4 है, अगर आता है तो वेल एंड गुड, 20 आ जाएगा। नहीं आता तो सुन लें कि 5 और 4 लिखा, अब हमने यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है कि हम देखेंगे कि हाँ जी, हमने सबसे छोटा नंबर यहाँ पे छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है। अगर सबसे पहले 2 को देखेंगे, 2 जो है डिविजिबल बाय 5 है, 5 डिविजिबल बाय 2 है, नो, 5 को एज इट लिखते हैं। और 2 कितने टाइम्स 4 होता है? 2 टाइम्स। अगेन हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं, यस, बिकॉज 2 वन टाइम 2 होता है, तो 2 जो है 5 तो एज इट आ जाएगा, बिकॉज 5 डिविजिबल बाय 2 नहीं है, और जो है 2 कितने टाइम 2 होता है? 1 टाइम होता है। और फिर क्या आ जाएगा, 5 रहेगा यहाँ पे, तो 1 है तो 5 ही ले लेंगे, 5 वन टाइम 5 आ जाएगा, और 1 का 1 तो 2 × 2 × 5 हमने यहाँ पर लिखा, इनको मल्टीप्लाई करवाना है तो 20 आ गया, 2 टाइम्स 4 5 टाइम्स 20, ओके 20 एलसीएम आ गया, सिंपल।
अब आपने क्या करवा देना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 20। बोथ साइड्स का मतलब है ये लेफ्ट साइड भी और ये राइट साइड, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है 20 से। अब लेफ्ट साइड में तो हमारे पास टू टर्म्स हैं, एक ये टर्म एक ये टर्म, दोनों को करवाना है। ऐसा नहीं करना किसी एक के साथ सिर्फ इधर करवा दे। लेफ्ट साइड में जितनी टर्म्स हैं, राइट साइड में तो है ही एक, अगर टू भी होती तो टू, थ्री से भी होती थ्री से भी, सबको 20 से मल्टीप्लाई करवा देना था अगर थ्री भी होती। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वन है तो हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवा दी, और यहाँ भी 20 से, यहाँ भी 20 से, नज़र आ रहा है 4x/5 लिखा इधर, 20 माइनस 20 लिखा और 3x/4 लिखा, और यहाँ पे 20x/4 लिखा। इतना समझ आया? चलें, 5 1 टाइम 5 यहाँ पे कटिंग करते हैं, 5 कितने टाइम्स 4, 20 होता है 4 टाइम्स, तो 4 × 4x क्या आ जाएगा, 16x आ जाएगा। समझ आए? ये दोनों कटिंग हो गए और फिर इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर माइनस, और ये दोनों कटिंग हो गए, 4 1 टाइम 4, 4 कितने टाइम्स 20 होता है 5 टाइम्स, फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 15x आ जाएगा, इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करवा 80 आ गया। फिर आपको पता है इनको, अच्छा माइनस करें तो हमारे पास सिंपल एक्स भी लिख सकते हैं, और एक्स इक्वल टू 80। फिर आपको ये टू स्टेप्स करने की जो है ज़रूरत नहीं है, फिर आप इसको स्किप करते हैं, जस्ट इनको माइनस कर। और समटाइम्स जो है स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि नहीं वन लिखना है साथ, अगर लिखना है ना तो फिर ये लिखें, फिर आपके जो है स्टेप इंक्रीज हो जाएंगे, फिर एक्स और वन को उधर जाके डिवाइड करवाएं, फिर इस तरह होगा। तो आप बेटर ये है कि इनको माइनस करवा दें, इक्वल टू 80 आ जाएगा, और फिर एक्स यहीं पर रहेगा और 80, ठीक है। मतलब ये वाले टू स्टेप्स दोनों स्किप हो जाएंगे, माइनस करवाया वन ना लिखें, जस्ट एक्स लिख लें और इक्वल टू 80। अरे लिखना है भी तो ये कर सकते हैं सारा काम। उसके बाद अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी तो फिर हमने क्या करना है, अच्छा ये सुन लें, फिर उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ईजी रह जाएगा कि मल्टीप्लाई कैसे करवाना होता है। 3/r है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, उस कंडीशन में आपने क्या करना है, उस कंडीशन में आपने ये करना है कि 3 मल्टीप्लाई करवा देना है इसके साथ भी, इसके साथ भी, जो भी यहाँ पे नंबर होगा और ब्रैकेट है तो इसका मतलब है उसने इस टर्म के साथ और इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाना। तो जब 3 को 2x से करवाएंगे 6x आ गया, प्लस 3 को 5 से करवाएंगे 15 आ गया, ये एज इट आ जाएगा, 6x रहेगा, और यहाँ पर ये x इधर आ जाएगा, ये प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, 25 इधर ही रहेगा, प्लस 15 उधर जाके माइनस 15 हो जाएगा। आपको पता है सारा, इसको हम ट्रांसपोजिंग कहते हैं कि हमें x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए 6x ऑलरेडी इधर था, हमने ये वाली x वाली टर्म भी यहाँ पर लिया। इसी तरह कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी 25 इधर थी, हम ये वाली कांस्टेंट टर्म भी यहाँ पर ले आए। फिर क्या आ जाएगा, इनको माइनस करें तो 5x आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, x यहीं पर रहेगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड किया तो 2 आ गया, सही है। और अगर आपने ये वाला स्टेप नहीं करना, ये वाला करना, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपके पास यहाँ पर 5 है, तो आपने दोनों जगह से 5 से डिवाइड करवा देना और देन फिर आंसर वही आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएं तो 3x प्लस, और यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 3x और 3 1 टाइम 3 आ गया, इक्वल टू 69। सिंपल इनको प्लस करवा दें, 6x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, इक्वल टू 69। 6x इधर है, यहाँ पे और कोई जो है वेरिएबल वाली टर्म नहीं है हमारे पास, तो 6x इधर ही रहेगा, 69 इधर है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, इनको माइनस किया ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया, एक्स आ गया, 6 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और सिंपल 11 आ गया। और अगर आपने ये वाला करना है तो फिर वही 6 इधर भी डिवाइड करवा दें इधर भी, और देन फिर हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी बहुत ईजी है, उसमें यह है हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो ब्रैकेट जस्ट ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे साइन है, ऐसा नहीं इसने मल्टीप्लाई हो जाना है, यहाँ पे साइन है, मल्टीप्लाई नहीं होगा 27। सिंपल ब्रैकेट आपके पास ओपन हो जाएगी, 90 - 9x और प्लस 27, इसका मतलब जस्ट हमने स्टेप में ब्रैकेट को रिमूव करके बस जो टर्म्स थी वो लिख दी, सही है। उसके बाद माइनस 9x यहीं पर रहने दें, बिकॉज हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वेरिएबल की, इसलिए इसको उधर ही रहने दें, इसको यहीं पर अरेंज कर लें, 27 और 90 इधर से ले रहे हैं हम, उधर नहीं लेके जा रहे, तो साइन चेंज नहीं होगा, सही है। 27 और यहाँ पे कोई साइन है तो प्लस ही आ जाएगा, प्लस 90, और इनको प्लस किया 99 आ गया, ये ऐसे ही आ गया, इनको प्लस किया ये आ गया 99 आ गया, ये एज इट आ गया, 117 इधर प्लस होता जाके माइनस हो जाएगा, माइनस किया तो -18 आ गया, उसके बाद ये एज इट आ गया, एक्स इधर ही रहेगा, -9 है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -18 उधर ही था, -9 उधर जाके डिवाइड हो गया, 18 को 9 से डिवाइड कर दें 2 आ जाता, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाता। आपको पता है जब भी इस तरह की फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास माइनस माइनस होगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपने वाला स्टेप करना है तो फिर वही हो जाएगा, -9 इधर भी आ जाएगा, -9 इधर भी आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स ही रह जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। सही, अब यहाँ पर आ जाएं तो ये सिंपल आपके लिए होगा, बिकॉज मैंने आपको मल्टीप्लाई करना बता दिया, इसको इससे भी करवाना है, इसको इससे भी करवाना है। फिर ये आ जाएगा ट्रांसपोजिंग, ये हो जाएगा कि 3x इधर आ गया, x इधर आ जाएगा, 14 ऑलरेडी इधर है, 9 को भी इधर ले आए, इनको माइनस कर दें, इनको माइनस कर दें, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी इधर ही रह जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू 5/2 आ गया। और अगर ये करना है तो फिर डिवाइडिंग बाय 2, दोनों को 2 से डिवाइड कर देता, अभी एक्स रह जाएगा और 5/2 रह जाएगा, जो भी आपने करना है।
चलें जी अब नेक्स्ट देख लें, सिंपल है ये भी, इसको वैसे ही लिख लेना, इसको मल्टीप्लाई कर देना इससे भी, इसको इससे भी। तो फिर मल्टीप्लाई किया तो 2x 6x आ गया, माइनस 3 8 टाइम्स 24 आ गया, बाय ट्रांसपोजिंग 9x इधर ही रहेगा, 6x इधर आ गया, माइनस 24 इधर आ गया, माइनस 3 उधर चला गया। इनको सॉल्व किया ये आ गया, इनको सॉल्व किया ये, देखें प्लस माइनस होता माइनस है, साइन कौन सा आता है जो बिगर टर्म के साथ होता है, तो बिगर टर्म के साथ माइनस है इसलिए माइनस आ गया, करना माइनस है, 24 में 3 माइनस किया 21 आ गया, और साइन 24 जो है टर्म बड़ी उस साइन माइनस है इसलिए माइनस का साइन आ गया। एक्स इधर ही रहेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड किया तो माइनस 7 आ गया, अगर ये वाला मेथड करना है तो 3 इधर है तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड करते हैं। इस बार क्वेश्चन में क्या करना है तो बहुत ही सिंपल है, 3 स्टेप्स में वो सॉल्व हो गया। इसको क्या करना है कि यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब इसने मल्टीप्लाई इधर भी हो जाना, इधर भी, इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6x आ जाएगा, माइनस 3 वन टाइम 3 आ जाएगा, इक्वल 5x टाइम 5x आ जाएगा, 5 वन टाइम 5 आ जाएगा, बाय ट्रांसपोजिंग में ये हो जाएगा, 6x ऑलरेडी इधर है, 5x को भी इधर ले आए, माइनस 5 इधर है, माइनस 3 को इधर ले आए, कॉन्स्टेंट टर्म इधर हो गई, वेरिएबल टर्म इधर हो गई, इनको माइनस किया, x आ गया, इनको सॉल्व किया, 5 से 3 को माइनस किया 2 आ गया, और साइन माइनस का क्यों आया, बिकॉज बिगर टर्म जो है 5 है कि 3 है, 5 है, और साइन माइनस है तो माइनस आ गया। याद रखना प्लस माइनस होते ही माइनस है, साइन कौन सा आता है जो बिगर टर्म के साथ होता है, ओके okay? तो बिगर टर्म माइनस 5 है तो उससे माइनस है इसलिए माइनस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये है, ये भी इजी है कि आपने मल्टीप्लाई तो आपको करना आ गया ना, 2 को 7 टाइम 7x टाइम 14x आ गया, माइनस 2 को 6 टाइम्स भी तो 12 आ गया, 3 को 1 टाइम 3 आ गया, 3 को 3x टाइम 9x आ गया, 14x आ गया, 9x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बिकॉज इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, 3 इधर ही है तो इसलिए साइन नहीं चेंज होगा, माइनस 12 उधर से इधर आएगा तो उसका साइन चेंज हो गया, इनको माइनस किया 5x आ गया, इनको सॉल्व किया 15 आ गया, x यहीं पे रहेगा, 5 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड किया तो 3 आ गया, और अगर ये वाला स्टेप करना है तो फिर 5 है यहाँ पर तो यहाँ पर भी डिवाइड करवा दें, यहाँ पर भी, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक्स रह जाएगा, और 15 को 5 से करवाया तो 3 आ गया। यहाँ पर देख लें तो अगर इस तरह का आपके पास होगा क्वेश्चन तो आपने क्या कर लेना है, इसके 2 मेथड्स होते हैं, एक ये कर सकते हैं आपके मल्टीप्लाई करवा दें बोथ साइड्स पे 2x प्लस 5 से, 2x प्लस 5 से क्यों, बिकॉज डिनोमिनेटर है, इधर भी करवा दें इधर भी करवा दें, उस कंडीशन में ये होगा 2x प्लस 5 2x प्लस 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2x प्लस 5 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस कंडीशन में भी सेम यही हमारे पास स्टेप आएगा। लेकिन अगर इस तरह करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो ये हो जाएगा इस तरह, तो इसने इससे होना है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, वन है तो 10x माइनस 2 को माइनस 1 को सॉरी 1 से करवाएंगे तो यही आ जाएगा, इसलिए यही आ गया, और यहाँ पे इन दोनों ने हो जाना है तो 3 इधर और ब्रैकेट में 2x प्लस 5 आ गया, समझ आए इतना। सुबह 10x माइनस 1 आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास 3 ने इधर भी मल्टीप्लाई हो जाना और 3 ने इधर भी हो जाना, तो आपको ये तो स्टेप पता चल गया होगा, 3 को 2x टाइम 6x आ गया, 3 को 5 टाइम 15, उसके बाद बाय ट्रांसपोजिंग आपको ये भी पता चल गया होगा कि 10x है और 6x को इधर ले आएँ और 15 इधर ही है, माइनस 1 को उधर ले जाएं, प्लस 1 हो जाएगा, इनको सॉल्व किया 4x आ गया, इनको सॉल्व किया 16 आ गया, ये यहीं पे इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड और डिवाइड करा के ये आ गया, और अगर ये करना है तो 4 से दोनों को डिवाइड कर दें। नेक्स्ट भी हमारे पास ये हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी 1 से हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 1 5 जो है हमने लिख लिया, बाय 1 लगाना तो लगा लें वरना डायरेक्ट x प्लस 5 भी लिख सकते हैं, फिर आपके पास ये स्टेप नहीं ये हो जाएगा जो भी करना, फिर बाय ट्रांसपोजिंग के हमारे पास 2x इधर ही आ गया, ये इधर ही था और यहाँ पे ये इधर आ गया, यहाँ पे ये इधर ही था और यहाँ पे ये इधर प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो गया, इनको सॉल्व किया x आ गया, इनको सॉल्व किया 4 आ गया, आंसर आ गया। ये लास्ट रह गया हमारे पास डिस्कस करने वाला, अब इसमें क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही 5x प्लस 3 को 1 से करवाएं तो 5x प्लस 3 आ गया, 2 को इससे करवाना है तो हमने 2 बाहर लिख लेना, x प्लस 6 को अंदर लिख लेना, 5x प्लस 3 आ गया, 2 को x से करवाया 2x आ गया, 2 को 6 से करवाया 12 आ गया, 5x इधर ही रहेगा, 2x इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 इधर ही है, 3 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस करवाया 9 आ गया, इनको सॉल्व करवाया 3x आ गया, x यहीं पे रहेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड किया तो 3 आ गया, और अगर ये वाला स्टेप करना है तो फिर 3 से दोनों को डिवाइड करवाओ तब भी आ जाएगा, सही है। तो होप सो जो है मैंने आपको डिफरेंट इक्वेशन बता दी कैसे सॉल्व करनी है, आपको अच्छे से समझ भी आ गई होंगी कि ये सिंपल थी, देन अगर इस तरह की आ जाए डिफरेंट सिचुएशंस थी, अगर इस तरह की इक्वेशन आ जाएँ तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद से इक्वेशन लिए ओके उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको आ जाएंगी इक्वेशन सॉल्व करनी, ठीक है। फिर जो भी आपके पास आ जाती हैं आपके लिए ईजी हो जाएगा उसको सॉल्व करना, आप जल्दी से उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।